चलिए गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आप सभी जुड़ेंगे सेशन में एक बार सभी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो थर्ड सेशन है जो YouTube पर भी आप लोगों को लाइव मिल रहा है साथ ही साथ इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर उम्मीद करते हैं ये सेशन सभी के लिए बेहतर होगा इससे पहले इंडक्शन मशीन ऑलरेडी ऐप पे हो चुका था इसीलिए हमने यूट्यूब पे उसको कंटिन्यू नहीं किया था और आने वाले दिनों में ऐसा होगा तो हम यूट्यूब पे भी इंडक्शन मशीन को लाइव आप लोग क्लिक करेंगे क्योंकि वो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा कुछ खास कंडीशंस होने के कारण इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन को एक बार हम देखते हैं बढ़िया से ये सेशन लाइव रहेगा तो सभी बंदे जुड़े रहेंगे लाइव कंटिन्यू चलिए एक बार मैं देख लूँ सभी की बातें आई होप सो मेरी आवाज़ प्रॉपर होंगी जल्दी ओके लाइव प्लीज ओके नीतीश कुमार एजुकेटर पावर ऑफ ह्यूमन ओके जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरी तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन अपने ए, कमेंट पे नहीं करेंगे या बहुत सारी बातें क्लास पे ओरिएंटेशन रहेगा पूरी फोकस हमारे कंसंट्रेशन कंटेंट पे होगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंकोनस मशीन में अल्टरनेटर और सिंकोनस मोटर दोनों को हम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे ये टाइमिंग जो होगी मोस्टली फोर फिफ्टीन पी डेली होगा मंडे टू फ्राइडे ओके चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो इस सेशन को हम बढ़िया तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन को आप लोग बढ़िया से करेंगे यहाँ पर हमारा जो है सिंकोनस मशीन स्टार्ट हो रहा है और इसको हम बढ़िया से देखने के लिए कुछ खास चीज जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तभी हम कॉन्टेंट पर काम करते हैं या आप लोग के लिए सा, के साथ शेयर करते हैं अदरवाइज फिर हम ही वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं करते तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चीजें आप लोग को बहुत बेहतर लगा होगा एक बार सभी को अगर आवाज प्रॉपर आ रहा हो और वीडियो की क्वालिटी बेहतर लग रहा है तो एक बार सेशन को थम्सअप जरूर करेंगे और हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं फटाफट सभी सेशन को थम्सअप करेंगे आई होप सो आवाज प्रॉपर होगा सभी को आवाज प्रॉपर होगा चलिए 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 प्रॉपर होगा थम्स अप मारिए सभी फटाफट और अपन सेशन की शुरुआत करते हैं इंडेक्स यानी हमारा सिंक्रोनस मशीन है चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत ओके तो चलिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं जो सिंक्रोनस मशीन है सिंक्रोनस मशीन को जो अपन पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन इसमें हम अल्टरनेटर और उसके साथ आपका मोटर दोनों लेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मशीन क्या है अभी मैं चर्चा स्टार्ट करता हूं तो देखिए सिंक्रोनस मशीन की अगर जब भी चर्चा होगी तो सिंक्रोनस मशीन अब तक जितने भी मशीन आपने पढ़ा है उनमें सिंक्रोनस मशीन सबसे भयानक सबसे डेंजरस आपको देखने को मिलेगा सिंक्रोनस मशीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये एम बी एम मेगा वोल्ट एम्पियर में इसका जनरेशन होता है पावर का इसीलिए सिंक्रोनस मशीन जो होता है उसके साइज जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं इसकी रेटिंग भी बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके साइज बहुत ज्यादा होंगे सिंक्रोनस मशीन के बारे में मैं अगर कुछ खास बातें अभी चर्चा करूं तो सिंक्रोनस मशीन आपको जैसे एनटीपीसी है ना एनटीपीसी में खासकर सिंकोनस मशीन आपको देखने को मिलेगा सिंकोनस मशीन में जिसको आप अल्टरनेटर भी बोलते हो अल्टरनेटर तो एन पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको ये जो है मशीन देखने को मिलेगा खासकर अल्टरनेटर यानी सिंकोनस जेनरेटर ओके और मैं बात करूं तो यहां पर आ, बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाएगा डोंट वरी है ना और ये देखिए इसका रोटर ये देखें आप लोगों को ये इनका रोटर का क्या साइज रहता है और ये कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखना है तो ये देखिए कि किस तरीके से स्टैटर्ड कंस्ट्रक्शन है ये मेरा बोर्ड कम पड़ जाएगा मैं जिस रूम में हूं ये हमारा रूम का साइज छोटा पड़ जाएगा एक एक अल्टरनेटर इस साइज का होता है तो चलिए हम अल्टरनेटर को बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ करने वाले हैं देखिए जैसे कि एक और साइज आपको दिखा पहले मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि अल्टरनेटर जिसका साइज बहुत बल्कि होता है ये देखिए एक-एक रोटर किस तरीके से होता है एक इंसान के जो पूरे हाइट अगर छ फिट भी हो उनसे भी बहुत बड़े साइज में होते हैं एक रोटर तो सोचो स्टार्टर का दायरा कितना बड़ा होगा चलिए और भी बातें हम कर लेते हैं बिल्कुल ये क्लास मंडे टू फ्राइडे आपको रेगुलर मिलेगा है ना अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस मशीन को पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा अगर अपन इस मशीन को पढ़ेंगे तो उनमें अपन बहुत सारी चीजों का ध्यान रखेंगे जैसे कि इस मशीन को पढ़ने के लिए प्रॉपर एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे चीजें आप लोगों को बहुत सही तरीके से समझ में आ पाए कि चीजें किस तरीके से होता है कैसे अल्टरनेटर काम करता है और इसको विजुअलाइज करने के लिए हम पूरी तरीके से इमेजिनेशन का सहारा लेंगे पिक्चर का सहारा लेंगे वीडियो का सहारा लेंगे चीजें आसान होंगी नाउ वट इज सिंक्रोनस मशीन कहा से आया वहां पर चलते हैं अपने टॉपिक पे हाँ जी बिल्कुल घर बराबर बल्कि होता है कौन है सौरभ बिल्कुल घर बराबर बल्कि होता है जी आइए नौ थ्री फेज इंडक्शन मशीन अब अपने क्लास की शुरुआत करते हैं अब अपनी क्लास की शुरुआत कर देते हैं जी अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं चलिए अगर मैं यहां बात करूंगा तो देखिए थ्री फेज मशीन खासकर कौन से मशीन की चर्चा अपन कर रहे हैं रोटेटिंग मशीन क्योंकि रोटेटिंग की नाम और चर्चा करें तो थ्री फेज मशीन में ट्रांसफार्मर भी आ जाता है तो मैं यहाँ पे थ्री फेज मशीन को आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें खास क्या होगा इसका रोटेटिंग मशीन की हम चर्चा करने वाले हैं इसमें अपन जो है रोटेटिंग मशीन की चर्चा करने वाले हैं ओके चलिए आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको एक एक टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया था और आज भी पढ़ाने वाले हैं आपके सामने चलिए तो यहां मैं अगर बात करूं ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास ऐसे लाइव हर जगह आपको रहेगा लेकिन दूसरे क्लासे सिर्फ आपको दिखेगा लाइव यूट्यूब पे ना अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था एक सब्जेक्ट था एक टॉपिक था इंडक्शन मशीन अगर मैं बात करूंगा यहां पर ध्यान रखिएगा थ्री फेज मशीन जो रोटेटिंग मशीन है वो दो भाग में बटता है पहला है इंडक्शन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ऐप पर डिस्कस कर लिया है ऐप पर ये हो चुका है आने वाले दिनों में ऐसा अगर होगा तो हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे ऐप पे अभी जस्ट इंडक्शन मशीन कंप्लीट हुआ इंडक्शन में इंडक्शन जनरेटर और मोटर खासकर इंडक्शन में मोटर इंपोर्टेंट होता है इंडक्शन में कौन सा इसका वो सेक्शन इंपोर्टेंट होता है हमारा जी मोटर इंडक्शन में कौन सा सेक्शन हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है मोटर है ना क्लास आ, क्लास जो है डेली चार बज के पंद्रह पीएम पे चलेगा जी चार बज के पंद्रह पीएम पे है ना मैं आप लोगों के कमेंट पे अभी ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि अभी तो अब कुछ पढ़ाई नहीं तो क्वारी तो नहीं होगा बस इधर उधर की बातें होंगी पहले आप कंसंट्रेट होइए पढ़ाई पे नाउ थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज मशीन के अंदर जो रोटेटिंग मशीन होता है उसमें नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस नेक्स्ट वन इज सिंक्रोनस मशीन उसके बाद इंपोर्टेंट हमारे लिए जो चैप्टर है सिंक्रोनस मशीन अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाए तो आपको पता है मैंने पहला ही पढ़ाया दिया था आपको ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी हो गया है है ना ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी हो गया है ये यूट्यूब और ऐप पर दोनों पे हुआ आपको है ना उसके बाद मैं बात करूं डीसी मशीन ऑलरेडी हो चुका है डीसी मशीन आपका ऑलरेडी हो चुका है थर्ड हमने करा दिया इंडक्शन मशीन ये लेकिन ऐप पे हुआ है इंडक्शन मशीन ऐप पे हुआ है फोर्थ वन की चर्चा अगर मैं करूं तो आपका सिंक्रोनस मशीन है फोर्थ वन क्या है सिंक्रोनस मशीन अब हम बात करते हैं यहां पे आइए चीजों की चर्चा करते हैं आज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है सिंक्रोनस मशीन कौन सा चैप्टर है जी सिंक्रोनस मशीन पर पढ़ाई ना सर इंडक्शन ओके okay. आने वाले दिनों में आई होप सो कि मैं इंडक्शन भी करा दूंगा आने वाले दिनों में इंडक्शन भी कराऊंगा तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि सिंक्रोनस मशीन जो है ये किस तरीके से है और आगे अपने को कैसे डिस्कस करना है यहां पर तो सिंक्रोनस मशीन अगेन क्लासिफाई यहां पर दो तरीके से हो जाते हैं और इन दोनों को पढ़ना है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक होगा सिंकोनस जनरेटर एक होगा हमारे लिए सिंकोनस जनरेटर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना एग्जाम जा, प्रोस्पेक्टिव से सिंकोनस जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक होते हैं सिंकोनस मोटर सिंकोनस मोटर तो इनको भी अपन अच्छे से डील करने वाले हैं तो सिंकोनस जनरेटर एंड सिंकोनास मोटर ध्यान रहे सिंकोनस जनरेटर को आपको सबसे बेहतरीन पढ़ना है क्योंकि अगर सिंक्रोनस मशीन के कहीं क्वेश्चन आएंगे तो आठ क्वेश्चन अगर सिंक्रोनस जनरेटर से आएंगे तो दो क्वेश्चन सिर्फ सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर से से आएंगे आएंगे या नौ क्वेश्चन आपको जनरेटर तो एक क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर से देखने को मिलेगा तो खासकर जो है कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे चीजें वही होते हैं तो अल्टरनेटर से खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता है सिंक्रोनस जनरेटर को ही दूसरा नाम दिया गया है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वेव प्रोड्यूस करता है इसीलिए इसी का दूसरा नाम है अल्टरनेटर क्या नाम है जी अल्टरनेटर क्या नाम है इसका अल्टरनेटिंग क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करता है दैट्स वाई इट इज कोल्ड कॉल्ड अल्टरनेटर क्या कहलाता है अल्टरनेटर तो थ्री फेज का क्या हो गया आपका सिंकोना जनरेटर थ्री फेज का क्या हो गया जी सिंकोनस जनरेटर और थ्री फेज का क्या हो गया आपका मोटर और इसी को क्या बोलते हैं अल्टरनेटर क्योंकि अल्टरनेट वे में आपको क्या करता है ई प्रोड्यूस करता है ओके okay, नाउ अगर मैं यहाँ बात करूं इंडक्शन तो इंडक्शन में भी आपको इंडक्शन जनरेटर है और इंडक्शन क्या है मोटर है और आपको

क्लियर आइए और भी बात हम बात कर लेते हैं जी बार्क वगैरह का अच्छे से फॉर्म भरिए बार्क बार्क की की तक बात होती है तैयारी हर बच्चे को करना चाहिए खासकर डिप्लोमा वाले के लिए बीटेक वाले के लिए तो क्या है इंटरव्यू है डिप्लोमा वाले टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तैयारी जरूर करिए हमने कई एक सेशन भी लिया हुआ था अगर और इस पर नीड होगी तो हम जरूर सेशन लेंगे ओके नौ आज मैं बात कर रहा हूं कि सर यहां पर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है इंडक्शन मोटर इज मच मोर इम्पोर्टेंट ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए तो ये तो रहा अबाउट की अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं किस तरीके से चीजें क्लासीफाई हो रही है थ्री फेज अल्टर सिंकोनस जनरेटर और सिंकोनस मोटर में अब आप एक चीज और देखना जब हमने इंडक्शन भी पढ़ाया था या कुछ बंदे को पता होगा तो इंडक्शन मशीन का दूसरा नाम और क्या है इंडक्शन मशीन का अगर किसी बच्चे को और दूसरा नाम पता हो तो इंडक्शन मशीन का और दूसरा नाम क्या है इसी को दूसरा नाम है सिंक्रोनस मशीन क्या बोलते हैं जी एसिंक्रोनस मशीन बोलते हैं ए सिंकोनस मशीन ऐसा क्यों बोलते हैं ए मशीन यानी इंडक्शन मशीन का दूसरा नाम क्या है ए सिंक्रोनस बिल्कुल क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो नहीं करता ये क्या करता है सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो नहीं करता दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस यानी ए सिंक्रोनस मशीन में अगर अगर देखें यहां पर देखें अगर आपका ये मशीन में अगर ये ये देखिए अगर ये सिंक्रोनस की स्पीड है यानी रोटेटिंग आरएमएफ की गति होती है तो यहां पर एनआर जो रोटर की गति होती है हो, वो क्या होता है पिछड़ता है तो एन से एनआर हमेशा पिछड़ता है कभी भी को फॉलो साथ साथ नहीं कर पाता एक गैप मेंटेन होता है सो मैं एक चीज कह सकता हूं इस मशीन में एनएस कभी भी एनआर के बराबर नहीं होता इसीलिए यह कहलाता है सिंक्रोनाइज क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं होता सिंक्रोनस मशीन को Uh, sync, यानी रोटर सिंक्रोनस स्पीड को कभी फॉलो नहीं कर पाता दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस मशीन तो इंडक्शन मशीन का दूसरा नाम सिंक्रोनस लेकिन सिंक्रोनस या अल्टरनेटर को सिंक्रोनस क्यों बोल रहे क्योंकि यहाँ पर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड को रोटर फॉलो कर लेता है यानी यहाँ पर अगर हम बात करें इस मशीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको हमेशा दिखेगा एनएस हमेशा किसके बराबर होगा रोटर की गति के तो ये सिंक्रोनाइज होता है एक दूसरे से क्या होता है सिंक्रोनाइज जैसे जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चलेगा वैसे वैसे आपका रोटर भी चलेगा साथ के साथ इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज होना तो एन एस बराबर हमेशा क्या होगा एन आर मोटर में भी हमेशा रोटर की गति इसके फील्ड के गति को फॉलो करता है रोटर की गति उसके फील्ड के गति को फॉलो करता है सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक्रोनस तो वहां पर चूंकि वो मोटर होगा यानी आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब वो रोटेट करेगा दैट इज मोटर और जनरेटर में मैकेनिकल पावर देके इलेक्ट्रिसिटी लोगे दैट इज जनरेटर या फिर अल्टरनेटर ओके okay? तो आई होप सो so, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अब यहां पर ये दोनों मशीन की अगर मैं बात करूं इन दोनों मशीन की मैं बात करूं तो यहां पर आपका अगर एक होगा एन तो दूसरा क्या होगा एन एक होगा एन एस तो दूसरा क्या होगा यहां पर एन आर और दोनों एक दूसरे को फॉलो करता है इसी को बोलते हैं यानी जिस रफ्तार से रोटर की गति होगी वही रफ्तार से आपके फील्ड की गति होगी सो इट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन यानी सिंक्रोनस जनरेटर और ये हुआ इंडक्शन मशीन इंडक्शन मशीन तो अपन आज के क्लास में यानी हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है अगर आप देखेंगे तो हमारा स्टार्ट होने वाला है क्या यहां पर इस सिलेबस में हमने पहले से क्लियर किया हुआ है मशीन मशीन को डील करेंगे और में जनरेटर भी पढ़ेंगे अपन और मोटर भी पढ़ेंगे जनरेटर भी पढ़ेंगे और मोटर भी पढ़ेंगे ओके okay? तो चलिए जी सेशन की पहली शुरुआत आपके साथ सेशन की पहली शुरुआत आपके साथ जैसे मैंने बोला सिंकोनस मशीन काफी बल्की होता है ओके इसको अल्टरनेटर भी कहा जाता है ये रोटर की गति को फॉलो करता है अब इनके बारे में अपन थोड़ा अच्छे से जानकारी लेने लगेंगे हम इसको एनिमेशन के द्वारा भी देखेंगे आगे अब आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं अबाउट अब अपने को जानना है अबाउट अल्टरनेटर अबाउट अल्टरनेटर और कह सकते हो सिंकोनस जेनरेटर इसी को क्या कह सकते हो जनरेटर जेनरेटर आईएजोनस जेनरेटर या फिर अल्टरनेटर अब इसके बराबर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे यहां से चलिए जी चलिए बहुत बढ़िया चलिए थोड़ी सी कमेंट ले ले रहा हूं बहुत बढ़िया सर आपको उपकार है ऐसा कुछ नहीं है हम कोशिश करते हैं आप लोग को तो अगर कोई मेहनत करने वाला है तो लाइव में सेशन वो फ्री में देख सकता है कोई सुनिए है ना सुबह बजे का वो किसी कारण चल रहा होगा पर उसके लगभग सवा सौ क्लास हो चुके थे एक सौ दस क्लास हो चुके थे है ना हाँ सर थैंक यू जी मनीष है ना चलिए तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने पॉइंट को है ना हम कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम कमेंट एकदम लास्ट में देखने वाले हैं जी कमेंट में बिल्कुल लास्ट में देखने वाले हैं चलिए जी पहला पॉइंट वो हम स्टार्ट करते हैं इन सिंकुडनस मशीन जेनरेटर मैकेनिकल पावर प्रोवाइड मैकेनिकल पावर प्रोवाइड देखिए ऐसा नहीं पीपीटी लगा दिया उसको पढ़ते जा रहे तो बड़ी समस्या होती है है ना लिख के पढ़ने में लगता है कि हाँ कुछ बेहतर चीजें पढ़ रहे हैं थोड़ा मजा आता है पढ़ाई जैसी फीलिंग आती है ये पीपीटी में मैं लिख के आ जाता ना और ऐसे ऐसे घस के चला जाता तो समस्या वो मजा नहीं आता इसीलिए लिखने में आपको कहीं ज्यादा बेहतर महसूस होगा इन सिंक्रोनस मशीन या अल्टरनेटर मैकेनिकल पावर प्रोवाइड मैकेनिकल पावर बाय ए प्राइम मूवर बाय प्राइम मूवर जिसको प्राइम मूवर बोलते हैं प्राइम मूवर व्हिच व्हिच गिव्स आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर आपको आउटपुट देता है अब मैं यहाँ बात करता हूं यहाँ पर ये मशीन है और इसको आपने क्या दिया है सप्लाई दिया है इसको आपने सप्लाई दिया है तो इस मशीन में मैकेनिकल पावर आपका इनपुट होता है मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं अल्टरनेटर के बारे में तो मैकेनिकल पावर आपका क्या होता है इनपुट होता है है ना और ये हमारा क्या है जी थ्री फेज का सिंकोनस जनरेटर और इसी का दूसरा नाम है हमारे लिए अल्टरनेटर अल्टर अभी सब कुछ टर्बाइन वगैरह भी आपको दिखाऊंगा है ना जिससे चीजें एकदम पता चले और ऐसा प्राइम मूवर जो साफ्ट को घुमाता हो ऑब्वियसली कहीं जनरेटर हमने डीसी मशीन में भी देखा है तो एक साफ्ट घूमता है या उसको किसी मींस के द्वारा मैकेनिकल मींस के द्वारा घुमाया जाता है तो आपका क्या होता है साफ्ट रोटर घूमता है तो कहीं ना कहीं उसी को अपन बोलते हैं प्राइम मूवर जिसके थ्रू आप क्या करते हो घुमाते हो तो यहां प्राइम मूवर टर्म जो है खूब यूज होता है प्राइम मूवर है ना प्राइम मूवर है ना और ये फाइनली आपको दे देता है इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर चूंकि ये थ्री फेज का मशीन है अल्टरनेटर भी इसलिए कहा गया अल्टरनेटर भी इसलिए कहा गया है ना चलिए अल्टरनेटर भी इसीलिए कहा, कहा गया इस मशीन को क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वेव देता है है ना चलिए वी ऑफ टी अब देखिए यहां पे मैं एक ही फेज की चर्चा कर रहा हूं है ना थ्री फेज के लिए तीन फेज दे देगा ये, थ्री फेज के लिए तीन दे देगा 120 डिग्री पे ये लैग जाता चला जाएगा है ना चलिए फेज प्रोड्यूस करेगा यहां पे ओके okay, तो ये मैंने तीनों फेज का प्रोडक्शन थ्री फेज यहां पे आपको आउटपुट मिलता है क्योंकि ये मशीन कौन सा है थ्री फेज का मशीन है यहां पे हमने क्या यूज किया हुआ है थ्री फेज का मशीन यूज किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट इस तरीके से कुछ मिलेगा ठीक है ना नौ दूसरी पॉइंट में यहां पे लिखूंगा साइज ऑफ अल्टरनेटर साइज ऑफ अल्टरनेटर इज बल्क साइज ऑफ अल्टरनेटर इज बल्क बहुत बड़ा होता है एंड इट्स रेटिंग इट्स रेटिंग इज इन एम वी एम वी होगा मेगा वोल्ट एम्पियर और एम वी ए के बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा मेगा वोल्ट एम्पियर सबको पता होगा जैसे कि पाँच सौ एम है ना फाइव हंड्रेड एम बी है पंद्रह सौ एम वी है ना इस रेटिंग से आपके मशीन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज होते हैं बड़े साइज होते हैं साइज ऑफ अल्टरनेटर इज बल्कि एंड इट्स रेटिंग इज इन एम अगर बात करें तो पांच सौ एम बी ए हजार इस तरीके से होते हैं बड़े लार्ज में एंड इट इज यूज एंड इट इज यूज इन एन है ना नेशनल आपको थर्मल नेशनल पावर प्लांट की बात करें या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट में भी यही यूज होता है हाइड्रो पावर प्लांट ओके नौ उसके बाद में अगर बात करूं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो इस तरीके के मशीन जो है आपके इस तरीके से आपको जो है साइज ऑफ ऑपल्टनोलिजी बल्कि एंड रेटिंग बहुत ज़्यादा है तो है होता है इस मशीन का है ना एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया यहाँ पे एंड इट्स यहाँ एटसेट्रा भी दे सकते हो ए टी सी ए टी सी एटसेट्रा है ना एंड एट्स इट इज यूज इन एन टी पी सी थर्मल पावर प्लांट के होता है हाइड्रो पावर प्लांट में होता है एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है अगर मैं यहाँ पे एक इमेज दिखाऊँ एक इमेज दिखाऊँ तो आपको जैसे ये कहने के लिए तो ये थर्मल पावर प्लांट है है ना ये तो एक थर्मल पावर प्लांट है अब इसके अंदर आप जब जाओगे कभी विजिट करोगे मोस्टली लड़का मुझे लगता है कोई ना कोई ट्रेनिंग करता है अगर बीटेक में रहता है डिप्लोमा रहता है तो ट्रेनिंग करता है या फिर आप कहीं नियर बाय सब uh, स्टेशन में चले जाते हो तो बात अलग है अदरवाइज़ आपके नियर बाय कहीं हाइड्रो पावर प्लांट है या नेशनल पावर थर्मल पावर प्लांट है न्यूक्लियर में तो जल्दी एंट्री आपको नहीं मिलेगा तो थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में मिल सकता है तो कभी आप विजिट करिएगा ये एक आ, है जो आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं और यहाँ से कुछ चीज़ें और आपको देखने को मिलेगा कि जब आप जाएंगे ना तो यूनिट वाइज आपको जन अल्टरनेटर मिलेगा क्योंकि ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक रफ डाटा से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि कि पावर प्लांट होगा तो, हो एक, एक हो तो क्या वैसा वैसा एक ही जनरेटर से काम चलेगा नहीं इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं पेलल ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं क्यों पढ़ते है क्योंकि इस घर के बराबर एक ही अल्टरनेटर नहीं कई अल्टरनेटर पावर प्लांट के अंदर यूज किए जाते हैं कि एक अगर डैमेज भी हुआ तो बाकी लगातार ऑपरेशन में रहे इसीलिए ये देखेंगे जब भी अगर मैं यहाँ एक बात करूंगा यहाँ मैं आपसे एक बात करूं तो ये देखिए ये एक पावर प्लांट ये एक अलग जनरेटिंग स्टेशन है ये जनरेटिंग स्टेशन तो एक ही है पर जनरेटर अल्टरनेटर थर्ड ये है फोर्थ ये है फिफ्थ ये है इस तरीके से अल्टरनेटर एक अलग अलग अलग, अलग वे में हम यूज करते हैं ऐसा नहीं है कि किसी पावर प्लांट में एक ही अल्टरनेटर बहुत बड़ा यूज कर लेंगे ऐसा कभी नहीं करते हम क्या करते हैं कि एक इतना बड़ा घर का तो एक अल्टरनेटर होगा ही होगा पर यह सिर्फ एक से काम नहीं मेगा एम में जो उत्पन्न हो रहा है पंद्रह सौ दो हजार एम बी में जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो ऐसे ऐसे एक अल्टरनेटर से काम नहीं चलेगा ऐसे कई यूनिट होते हैं एक पावर प्लांट के अंदर कई यूनिट होते हैं तीन चार दो ऐसे पावर यूनिट होते हैं और उस यूनिट को पैरल में कंबाइंड किया था इसलिए पढ़ते हैं आगे पढ़ेंगे पैरल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि अगर एक अल्टरनेटर में कोई वाइंडिंग अगर फेल कर गया तो पूरा पावर प्लांट खत्म मतलब खत्म इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी इससे निकलने वाला खत्म और पूरा शहर गया काम से तो हम एक पे निर्भर नहीं होते कई यूनिट तैयार करते हैं तो ये सब आगे स्टडी होगी है ना ये सब चीजें आगे क्या होगी स्टडी होंगी चलिए तो हमारा कहना है कि ये जो है साइज ऑफ अल्टरनेटर इस बल्कि हमेशा दिमाग में बहुत बड़ा रेटिंग का होता है इसकी रेटिंग इस तरीके से होती है पावर प्लांट वगैरह में चलिए अब हम बात करेंगे इस मशीन को लेके अब हम बात करेंगे इस मशीन को लेके तो बहुत सारी चीजें हमको चर्चा करने की यहां पर जरूरत है आइए मैं अगर बात करूं एक अल्टरनेटर की तो यहां पर अल्टरनेटर में ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी हमने अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है जितने भी जनरेटर है उससे फाइनली क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है पर हम डीसी में है, हमने आपको बताया था कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के क्या कंडीशन है कंडीशन व्हाट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले इन पे जाते हैं और अब यह सीखना होगा कि चूंकि आर्मेचर क्या है और फील्ड क्या है अब हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं आर्मेचर क्या है फील्ड क्या है अब हम बेहतर तरीके से समझ चुके हैं इसीलिए इसीलिए अब जो है हम पहले तो यह तय करेंगे कि ऐसा मशीन होगा तो उसमें आर्मेचर कैसा होगा फील्ड कैसा होगा क्या आर्मेचर को घुमाया जा सकता है या फील्ड को घुमाया जा सकता है बेहतर सुटेबिलिटी किसमें होगा तो ये जानना बहुत जरूरी है क्या आर्मेचर को हमेशा अस्थिर रख के ही प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर आर्मेचर को रोटर पे रख के भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है तो कुछ ऐसे एनालिसिस को यहां पे देखना पड़ेगा किसी अल्टरनेटर के लिए ताकि हम जो पढ़ाएंगे और कोई विपरीत कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो हाँ ऐसा नहीं मिला जुला जवाब नहीं देंगे हम हर जवाब के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ अगर आर्मेचर को स्टैटर पे रखा जाए तब भी यह मशीन काम करेगा रोटर पे रखा जाए तब भी मशीन काम करेगा लेकिन स्टार्टर पे रखने के क्या फायदे हैं रोटर पे रखने पे कितने नुकसान हैं इन सारी चीजों की चर्चा हम यहां पे करने वाले ठीक है चलिए नौ नौ अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं जैसे कि इंडक्शन मशीन में बार बार कंस्ट्रक्शन बनाता था इंडक्शन मशीन का मैं बार बार कंस्ट्रक्शन आप लोगों के साथ बनाता रहा तो एक कंस्ट्रक्शन आप यहां पर देखिए थोड़ी सी जानकारी आपको अपडेट कर दूं यहां पे है ना ये मशीन का हमने स्टार्टर बनाया इस बार मशीन का जब रोटर की साइज़ आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा इंडक्शन के तुलना में इंडक्शन मशीन के तुलना में इसका रोटर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा एकदम बारीकी से देखिए एक बार पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए मैं हमेशा ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मशीन को एक बार पढ़िए पर बहुत अच्छे से पढ़िए फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी प्राइम मूवर होगा जिससे आप घुमा रहे होंगे चाहे इसका मीन्स कुछ भी हो सकता है अच्छा कुछ खास बात आपको देखने को यहां पे मिलेगा यहां पर कुछ खास चीजें आपको देखने को मिलेगा जब आप इस मशीन को पढ़ रहे होंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा मैं अभी आपको आपसे डिस्कस करूंगा यहां पर अगर आप चर्चा करेंगे यहां पर आप चर्चा करेंगे तो यह भी मशीन बाकी मशीन के तरह इस मशीन में भी बाकी मशीन के तरह आपको क्या दिखेगा एक हिस्सा दिखेगा स्टेटर का और दूसरा हिस्सा दिखेगा रोटर का एक हिस्सा आपको दिखेगा स्टेटर का चूंकि थ्री फेज मशीन है थ्री फेज मशीन है तो तीन फेज का अरेंजमेंट मैं यहां पे करता हूं थोड़ा ऊपर उठा दे रहा हूं ना थोड़ा नीचे आ गया वो साफ्ट यहां पे रख देता हूं इस वाइंडिंग की भी जो कनेक्शन होगा 120 डिग्री पे तीनों वाइंडिंग जो होंगे यहां पे स्टार्टर के समझिएगा काफी ये नहीं है कि मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं अभी कुछ और ही बता रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कभी कोई सोच ले कि सर कंस्ट्रक्शन पढ़ाने लगे हैं नहीं मैं कुछ और ही बता रहा हूं आपको जो कि आपको समझना चाहिए चलिए ये तीनों मैं कहता हूं एक आर Y और क्योंकि ये निकलेगा जनरेटर से आर Y और बी तीन फेज है तीनों का सेपरेशन जो है 120 डिग्री पे होता है तीनों कितने होते हैं जी 120 डिग्री पे तीनों कितना पे होगा 120 डिग्री पे ये ये एंगल कितना 120 डिग्री पे और ऐसा सारे रहेंगे 120 डिग्री पे ये मेन हमारा मशीन होगा ठीक है ना मशीन होगा जो 120 डिग्री पे होगा एंगल पे और मैं और भाई बात करूं यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में अब जो रोटर ये हमारा क्या है स्टेटर है अगर आप देखेंगे ना तो ये हमारा क्या है स्टेटर है है स्टेटर है और ये हमारा रोटर है अब की क्या हो गया ये हमारा रोटर हो गया है ये हमारा क्या हो गया रोटर हो गया अब ये रोटर का सेप बदल गया तो हम इस पर बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं आगे है ना तो अब रोटर का सेप क्या हो गया जी बदल गया है एक सेकेंड एक सेकेंड समझिएगा तो एक्चुअली क्या होता है इस रोटर पर जो हमने वाइंडिंग दिया यहां पे सप्लाई डीसी दिया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं इसको बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये जो वाइंडिंग है और इस पर जो सप्लाई दिया प्रोडक्शन होगा क्या अल्टरनेटिंग नेचर का प्रोडक्शन क्या होगा एसी होगा अगर बात करें कि प्रोडक्शन का तो यहाँ से प्रोडक्शन आपको दिखेगा अल्टरनेटिंग नेचर का थ्री फेज का होगा है ना अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थ्री फेज का होगा प्रोडक्शन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा थ्री फेज का होगा चलिए थ्री फेज का फिलहाल ऐसे में दिखा दे रहा हूं है ना आगे इस पे चर्चा करेंगे अच्छे थ्री फेज का जेनरेशन होगा जेनरेशन तो थ्री फेज का होगा है ना तो इसके लिए आपको पता है कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मशीन बहुत बल्की होता है साइज में बहुत बड़ा होता है तो जो करंट कैरी करेगा जहां पे कुछ बातों को समझिए जो करंट कैरी करेगा वो कंडक्टर काफी हेवी होगा और उसको घुमाना बहुत डिफिकल्ट होगा

लेकिन मैं बताऊंगा कि कोई पूछ लिया कि अगर रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग प्रोवाइड कर दे तो क्या समस्या आएगी हम इनकी चर्चा करेंगे लेकिन अभी एक रफ डाटा बता रहा हूं कि एक मशीन के अंदर अगर हमारा एक है तो आपका पे आर्मेचर वाइंडिंग होगा तो रोटर पे कौन सा वाइंडिंग होगा यहां पर फील्ड वाइंडिंग होगा ये जो रोटर पे वाइंडिंग की गई है ना इसको कहीं स्पेस में दिखा दूं ये जो वाइंडिंग की गई है ये है आपका फील्ड वाइंडिंग है ना फील्ड वाइंडिंग ये क्या है फील्ड वाइंडिंग यानी इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है इस फील्ड के देने से सिर्फ एक साथ मतलब है कि यहां पे पोल का निर्माण हो जाए क्या हो जाए अगर एक परमानेंट पोल यहां बने तो एक यहां पोल बने इस फील्ड का यानी डीसी सप्लाई देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा होता है कि पोल बन जाए तो फील्ड डीसी सप्लाई परमानेंट पोल बना परमानेंट पोल नहीं बनता मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होता पर पोल को फिक्स कर लेते हैं यहां पर एन और यहां पे क्या एस यहां पे एन और यहां पे क्या हो गया एस तो यहां पर समझिए रोटर हमने क्या बोला कि जब भी सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर अपन जब भी होता है यहां पर समझिएगा अल्टर अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे समझाएंगे अभी वेट अल्टर नेटर अभी देखिएगा मैं कुछ समझा रहा हूं क्योंकि कही, मुझे कहीं और ले जाना है आप लोगों को है ना अल्टरनेटर की जब भी बात कर रहा हूं तो मोस्टली हमेशा इसमें साइज अभी आपने बताया साइज बहुत बड़ा है आपको इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो इसके वाइंडिंग को कभी घुमाना बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं जो करंट ज्यादा कैरी करेगा जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा और हम लोड को डिलीवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो उसको हमेशा हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं और तो ज्यादा करंट कैरी करेगा तो उसको हम अस्थिर रखते हैं क्या करते हैं अस्थिर रखते हैं यानी स्टैटर पर रखते हैं और फील्ड वाइंडिंग तो फील्ड ही तो प्रोड्यूस कराना है और बहुत कम अमाउंट में करंट वोल्टेज वहां पे अप्लाई होता है तो इसको हम क्या करते हैं घुमाने के चक्कर में रखते हैं इसको घुमा भी दे तो कोई समस्या नहीं होगा लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि अगर फील्ड वाइंडिंग को हम रोटर पे रखें और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टार्टर पे तो ठीक आर्मेचर आपने ये मशीन बनाया लेकिन कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग जो कि बहुत हैवी वाइंडिंग होता है अगर आपको किसी में किस किसी बच्चे को अभी तक यह नहीं पता आर्मेचर वाइंडिंग क्या है और फील्ड वाइंडिंग क्या है तो फिर समस्या हो ये तो कम से डीसी मशीन से पढ़ते आए हैं आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है और फील्ड वाइंडिंग क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ऐसा वाइंडिंग होता है जो बहुत ज्यादा करेंट और वोल्टेज को कैरी करता है है ना कैरी करता है एक साथ ढोता है रखता है जबकि फील्ड वाइंडिंग सिर्फ ऐसे वाइंडिंग होते हैं जिसमें सप्लाई देने से वो उस हमारा मकसद होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे फील्ड प्रोड्यूस करे यानी फ्लक्स उत्पन्न करे जो कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस होगा ठीक है चलिए टाइम भी हमको लगता है ज़्यादा तो, तो, तो वाइंडिंग कुछ अल्टरनेटर पे ऐसे जाएंगे एक फेज का दूसरे फेज का ऐसा जाएगा तीसरे फेज का ऐसा जाएगा एक डिग्री पे होंगे और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ थ्री फेज मशीन का ऐसा ही होगा आर वाई बी फेज में होगा अब यहां पर है कि सर आर्मेचर वाइंडिंग क्या है और फील्ड वाइंडिंग क्या है तो मैं आपको लफ्जों से बता रहा हूं कि आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होता है जो सबसे ज्यादा करंट और वोल्टेज कैरी करता है और आप उसको लोड पे ट्रांसमिट करोगे आर्मेचर वाइंडिंग हैवी वाइंडिंग होते हैं जबकि फील्ड वाइंडिंग का मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस पर सप्लाई देकर हम उसमें फ्लक्स उत्पन्न करा पाए और जो यही कंडक्टर वो कट करके ई प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा मात्रा में लेकिन फील्ड वाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए हम रिस्पॉन्स को रखते हैं ठीक है अब ये बात हुई कि सर ये कंस्ट्रक्शनल व्यू से तो थोड़ा सा रफ डाटा अपने को आ गया नाउ हमारा क्वेश्चन अब ये होगा कि अगर आर्मेचर को रोटर पे रख दे तो क्या ऐसी समस्या आती है जिसके कारण उसको प्रेफरेंस नहीं देते जबकि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टार्टर पे रख के इस मशीन को चलाना ज्यादा आसान होता है तो हमारा नेक्स्ट होगा क्या कि एक ऐसा मशीन हम बनाएंगे यहां पर ध्यान से समझिए नेक्स्ट मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें

पे आपने क्या दिया आर्मेचर वाइंडिंग और सिर्फ रोटर को रोटर को रोटर पे आपने दिया फील्ड वाइंडिंग तो यहां पर इसके क्या एडवांटेज ड्रॉबैक है, है क्या एडवांटेज है ड्रॉबैक इनको पढ़ना जरूरी है यहां से हमको एक एनालिसिस पता चलेगा कि क्यों इसी की प्रिफरेंस देते हैं इसको प्रिफरेंस नहीं देते तो इनके बारे में पहले चर्चा हो जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक चीज ये क्या है ये क्या है फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई क्यों देते हैं एक मैं पिक्चर से बता देता हूं तो ये आज का क्लास ऑन एन एवरेज बस इतना ही है एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया है हमने आज और आपको अभी कुछ चीजें एनालिसिस कराता हूं दिखाता हूं कि ये मशीन इतना बड़ा होता है कि डीसी जनरेटर सिर्फ फील्ड उत्पन्न करने के लिए ये सिर्फ फील्ड उत्पन्न करने के लिए हम एक डीसी जनरेटर ही रख देते हैं है ना मतलब आप समझो कि डीसी जनरेटर जहां बाहर से आप पढ़ते हो लेकिन अब ये मशीन का साइज इतना बड़ा होता कि सिर्फ फील्ड में करंट देने के लिए इस फील्ड को पोल उत्पन्न करने के लिए एक डीसी जनरेटर देखते हैं कि जनरेटर चल घूम ही रहा है उसी पर डीसी जनरेटर रख दो वो डीसी उत्पन्न करेगा और वही इसको सप्लाई देता रहेगा ताकि परमानेंट पोल बना रहेगा लेकिन उस मशीन को देने का क्या तात्पर्य होता है यानी एक डीसी मशीन क्यों रख दिया जाता है इसके पे तो क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है क्या है ना कंट्रोल करना बहुत आसान है क्योंकि सिंक्रोनस मशीन जब इतना ज्यादा करंट उत्पन्न होता है तो इस इसपे जो लगे लोड होंगे एक बड़े बड़े सिटीज इस लोड कनेक्ट होगा अब वहां लोड का वेरिएशन जो होता, तो है। तो होता है तो उसका इंपैक्ट इसी अल्टरनेटर पर कंट्रोल करने वाला बहुत जरूरी होता है तो कंट्रोल करने के लिए डीसी जनरेटर का कंट्रोल बहुत आसान होता है हमने पढ़ा था कि डीसी जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड को कंट्रोल करके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके स्पीड को

इस मशीन में आगे पढ़ेंगे अच्छे से स्टेटर है यह रोटर है रोटर पे पोल फोर पोल का बना है टू पोल बना सकते हैं अभी हमने भी टू पोल का बनाया था इसमें फोर पोल पर बना है एट पोल भी बना सकते हैं ओके आइए कुछ चीजें और चर्चा करते हैं जी हमने जो बोला सिर्फ एक्साइटेशन देने के लिए यह देखो इस पोल को एक्साइटेशन देने के लिए सिर्फ एक्साइटेशन यानी डीसी uh, सप्लाई देना एक्साइटेशन के लिए थे, बैटरी भी लगा सकते थे लेकिन यहां ये यह साइज चूंकि इसमें बल्कि तो इतना बड़ा जनरेटर नहीं दिखा सकते ना डीसी जनरेटर स्पेशली यहां बैटरी भी लगा सकते थे लेकिन सिर्फ बैटरी से काम नहीं होगा एक्साइटेशन के लिए भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको करंट वोल्टेज देना है so, सो इस, इसको ये देखो जनरेटर ही बैठा दिए ये देखो कम्यूटेटर लगा दिए एक डीसी जनरेटर बैठा दिए तो ये मशीन ही इतना बड़ा होता है कि उसमें आराम से आप एक डीसी जनरेटर भी बैठा दो और उसी रनिंग रणी, से डीसी जनरेटर भी रोटेट करेगा प्रोड्यूस करेगा और इसको सप्लाई फील्ड देता रहेगा डीसी फील्ड इसको देता रहेगा ठीक है चलिए तो इसके बारे में बहुत सारा चीज पढ़ना है जी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है आज जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया आपके लिए आज हमने यहां पर जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में एक बेसिक जानकारी आपको इंडक्शन मशीन का मिला होगा सॉरी सिंक्रोनस मशीन का मिला होगा हम इससे कल इसी पॉइंट से आगे बढ़ेंगे कि इसका कैसा कैसा कंस्ट्रक्शन हम आ, अच्छे से देख सकते हैं इसका किस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बेहतर अप्रोच करते हैं और किस कंस्ट्रक्शन से आगे पढ़ाई करते हैं और दूसरा कंस्ट्रक्शन भी होता तो क्या वो फॉलो कर सकते हैं तो इस पर से करेंगे और फिर इस टॉपिक को इसी मशीन को अब आगे पढ़ते चले जाएंगे यानी कल एक कंपेरिजन होगा कि रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग होगा तो क्या होगा और स्टेटर पे होगा तो क्या होगा है ना और कंपेरिजन के बाद हम कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद इसका वर्किंग देखेंगे बहुत सारा चीज इसमें आपको देखना पड़ेगा थ्री फेज फेज सिक्वेंस देखना पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन देखना पड़ेगा आ, इसमें आ, जो है वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होता है ये देखना पड़ेगा मशीन का स्टेबिलिटी देखनी होगी पेल ऑपरेशन देखना पड़ेगा इन्वर्टेड वी कर्व देखना पड़ेगा वी कर्व देखना पड़ेगा है ना उसके बाद यहाँ पे लोड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तो अल्टरनेटर है एक बड़ा चैप्टर है पर इसको बहुत कंपैक्ट वे में कोशिश करेंगे ऐसा जो एग्जाम रिकॉर्डेड दोनों फीचर में होंगे एक दो क्लास इंट्रोडक्शन का आपका यूट्यूब पर ऐसे ही लाइव रहेगा वो प्राइवेट नहीं होगा उसके बाद सारी क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगे उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं चलिए मैं अब आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लेता हूं किसके क्या क्वेरी है मैं एक बार देख लेता हूं ओके थैंक यू चलिए किसी को कोई कमेंट है क्वेरी है तो बताएंगे थैंक यू सर फ्रॉम आसाम ओके मोस्ट वेलकम सर अल्टरनेटर जनरेटर में क्या फर्क है अल्टरनेटर अल्टरनेटिंग करंट देता है जनरेटर तो अपन सब चीज के लिए जेनविन यूज करते हैं चाहे वो डीसी दे एसी दे है ना चल फ्री दे दो पूरी क्लास ऐप पर जाएंगे अगर पूरी क्लास करना है तो ऐप पे क्योंकि मैं देखिए हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी दिया रहा है और डीसी मशीन ऑलरेडी फ्री आप लोग को दिया हुआ है तो हर चीज दे नहीं दे सकता इस तरीके से कुछ हमारे लिए भी लिमिटेशन है कहते हैं कि घोड़ा अगर घास से ही दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या ये भी एक समस्या है चलिए सर सर अगर एम सी एम्स वाला बच्चा पहले भी बोला है आप हमारी टीम से बात करिए इससे रिलेटेड जो भी क्वारी होगा हम आप लोग को जवाब देंगे इसका है ना ओके सर नेक्स्ट क्लास कब होगी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी अच्छा शाकिब शाह भी जुड़ गया फ्रॉम पाकिस्तान शाकिब आपके एक और से राशिद राशिद को बोलिए क्लास स्टार्ट हो गया राशिद भी आ जाएगा चलिए कितने लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे सिंगल अभी पढ़िए ये कम आ, कितने लेक्चर लगेंगे इसके पीछे नहीं पढ़ना है पढ़िए सर स्टेपर में पढ़ाएंगे सर वो स्पेशल मोशन मोटर में पढ़ाएंगे मोटर में पढ़ाएंगे ओके पेड बैच के लिए आप जाएंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे जाएंगे ओके चलिए 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 जी काफी बच्चों के कॉमेंट है अब भी किसी को कोई सर और कहां पर है पेड बैच यही चल रहा है मशीन का हर चीज पेड बैच अभी लाइव दो दो क्लास चल रहे हैं एक पावर सिस्टम का चल रहा है साढ़े पांच बजे से और एक चल रहा है आपके लिए अभी मशीन का इसी टाइम सवा चार बजे थैंक्स ओके चलिए तो चलिए तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बेहतर रहेगा अब नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को चलेगा तो मंडे से आप लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे तो आप लोग क्लास को मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन करेंगे ओके ओके okay, ओके okay, बिल्कुल डलेगा बिल्कुल डलेगा आरके पी मोटिवेशन बिल्कुल डलेगा सब जगह आपको मिल जाएगा डोंट वरी